उत्क्रमित मध्य विद्यालय मदनपुर कसिया डी में शुक्रवार को ग्रामीणों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। बताया गया कि एक दिन पहले विद्यालय में एक 6 साल की बच्ची को कुछ बच्चों ने बाथरूम में खुले हुए टंकी के अंदर गिरा दिया था, जिसके कारण वह बच्ची उस टंकी में काफी देर तक पड़ी रही। लेकिन इस पर न ही यहाँ के किसी शिक्षक ने ध्यान दिया और न ही बच्ची को किसी ने वहाँ से बाहर निकाला, जिसके बाद बच्ची के परिजनों को जब पता चला तब परिजन स्कूल जाकर बच्ची को वहां से निकलवाए। आरोप है कि बच्ची के परिजनों ने जब यहां के प्रिंसिपल से जाकर बात किया तो प्रिंसिपल ने इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि फंड नहीं है तो कहां से टंकी को दुरुस्त करवाएंगे। इस मामले को लेकर ग्रामीणों और शिक्षकों में काफी देर तक बहस हुई। बताया गया कि इस विद्यालय में प्रिंसिपल श्रीनाथ राय है, जबकि सहायक शिक्षक के रूप में कमल दास, जमाल अहमद और सुनीता कुमारी पदस्थापित है। हालांकि विद्यालय में जब हमारी कैमरा टीम पहुंची तो देखा गया कि स्कूल के सारे बच्चे रोड पर घूम रहे हैं और सारे टीचर एक साथ कमरे में बातचीत कर रहे हैं। बच्चे के बाथरूम की टंकी में गिरने के सवाल पर जब प्रिंसिपल से पूछताछ की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों और शिक्षकों में काफी देर तक बहस भी हुई और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि विद्यालय में पढ़ाई ना के बराबर होती है और विद्यालय में ना ही बच्चों को ड्रेस दिया गया और ना ही किताबें। ग्रामीणों ने इस मामले में शिक्षा विभाग से जांच की मांग की है। क्या बोल रहे जो करना करो, क्या शिक्षा दे रहे बच्चों को, क्या बोल रहे जो करना करो, क्या हमको तंग कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं। इतना बच्चा लोग जो है यहाँ पे आता है, सब गरीब है तब ना पढ़ने के लिए आता है। अगर पैसा ही रहता है इन लोग के पास तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता ना। क्लास चलने दो ना, हो गया। क्या क्लास चलने दो, पढ़ाई लिखाई होने दो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। अच्छा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ, इतना अभी बाहर में आए, सारा बच्चा लोग घूम रहा था, उस टाइम पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था? नहीं होता सर जी, कैसे नहीं होता, कैसे नहीं होता सर, बच्चा लोग। अरे बाबू, पढ़ाई लिखाई होता है, तुम लोग हैं, पढ़ाई लिखाई होता है, इधर फोकस करो सर, बच्चा लोग। सर इधर आप बात दीजिए, बात कीजिए, आप बार बार कैमरा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, फोकस करो सर, कहाँ जा रहे हैं कैमरा छोड़ के, क्या होता नहीं होता। आपको आपसे जवाब चाहिए, ठीक है? जितना बच्चा है मैंने डेली 15 गो 10 गो 4 साल 5 साल का, जब इन लोग को आंगनबाड़ी में रहना चाहिए और हमारा स्कूल में आ जाती, जो बच्चा के साथ घटना घटा है वो बच्चा का नाम हमारा रजिस्टर देखो तो नहीं है। अकेला उसका भी हमारा स्कूल में रजिस्टर में नाम नहीं है और इसका भी बोला अकाउंट में पैसा नहीं, अब नहीं आया तो वहाँ इंक्वायरी करो, तो बीआरसी चल जाओ, एजीसी हो तो बीआरसी चल जाओ कि बदरपुर में पूछ लो सब बच्चे, हम तो रोज। और जैसा कि अभी हम जो है अभी आए बाहर में तो देखे सारा बच्चा लोग टोटल जो है बाहर में घूम रहा था, अभी हम लोग के आने का अभी घूम रहा था, अभी घूम रहा था बाहर में, अभी हम लोग आए, हम लोग अभी जब आए, हमारा समस्या का तो सुलझेगा नहीं, मेरी बात सुनना, अभी जब हम लोग बाहर आए तो देखे कि सारा बच्चा लोग घूम रहा है, लेकिन आपको जैसे पता चला कि हम लोग पहुंचे हुए तो आप जो है सारा बच्चा को डांट टपट के अंदर कर दिए। और सबको सिखा रहे हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, नाम काट देंगे यहाँ से। तुम्हारा मोहम्मद अरबाजी, कहाँ तुम यही कराने वाला है? स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है ठीक से? नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, वो जो कल बच्ची टंकी में गिरी हुई थी, परसों की घटना है ये, उसमें सर लोग जो है आके देखे थे उसको, निकाले थे सर लोग? नहीं निकाले थे सर, नहीं निकाले। अच्छा, कितना दिन से वो टूटा हुआ है? बहुत दिन से। प्रिंसिपल कैसे, प्रिंसिपल सर जो है कैसे, वो कैसे बिहेव करते हैं तुम लोग के साथ जब ये सब चीज़ को मामले के लोग बातचीत करते हो तब? कुछ नहीं करते सर, बोलते हैं तो बोलता है कि बाद में मिस्त्री बुलाते हैं तो नहीं मिलता मिस्त्री। तुम लोग को डांटते उड़ते भी है? यस सर। जब हम लोग आए तो फिर क्या बोल रहे थे प्रिंसिपल सर तुम लोग को आके? ठीक, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको देखने तो बोला कि चलो क्लास में बैठो। अच्छा, कोई कुछ नहीं बोले तो नाम काट देंगे। और क्या बोल रहे थे, कोई कुछ नहीं बोलेगा नहीं तो नाम क्या करेंगे? नाम काट देंगे। अच्छा, मतलब तुम लोग अगर बोलोगे तो क्या करेंगे कि नाम काट देंगे? यस सर। अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सुजीत मंडल। तुम यही कराने वाला है? हाँ। क्या बोले प्रिंसिपल सर जब हम लोग आए तो? बोले चलो पढ़ो पढ़ो और इतिहास बुक निकालो। अच्छा, उसके बाद बोल रहे कि जानते क्या क्या पढ़ाई हो बताओ सब,
तो सब बच्चा लोग को सिखा दिया कि होता प्रगति हिंदी ये सब बता दिए। उसके बाद बोला पूछेगा तो क्या बोले, तो बोला पढ़ाई कौन कौन हुआ तो पूछेगा तो बोला कि हिंदी होगा, प्रगति होगा इस और साइंस होगा इस समस्या हो रही है आपको यहाँ पे? समस्या ये है कि बच्चे लोग जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करता, जितना बच्चा लोग है सब टीचर लोग बैठा रहता है एक तो ऑफिस में घुस के, और बच्चे लोग जहाँ तहाँ दौड़ता है। देखिए ये रोड चालू रोड है, भरकट्टा कोवाड़ ये बरमासिया निकल जाती है ये रोड में एक भी ब्रेकर नहीं दिया हुआ है, और टोटल बच्चा यहाँ से दौड़ता है पूरे रोड में, यहाँ से लेके एकदम मोड़ तक एक भी बच्चा, सब छोटा छोटा बच्चा है। बोलिए एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बात रह गई स्कूल की, तो स्कूल का देख सकते हैं आप नक्शा, पूरा खिड़की टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, पूरा इधर बिल्डिंग बना हुआ है, 7 साल हो गया है ये बिल्डिंग आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये खिड़की जो टूटा हुआ है ये देख सकते हैं उधर का, उधर बच्चा बैठाता है क्लास में, सारा बच्चा उधर खिड़की से फांग के भाग जाता है, उधर तालाब में चला जाता है, कोई खेत में जाता है, उधर बाथरूम पूरा टूटा हुआ है वो बाथरूम में जाता है सब बच्चे लोग। कल एक बच्ची परसों घटना है, बच्ची बाथरूम की टंकी में गिर गई थी जो 9 फीट गड्ढा है, पूरा पानी भरा हुआ है। बच्चे लोग जितने हैं सारे बच्चे लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, और सर बोलते हैं कि यहाँ पे चोरी हो जाता है तो खिड़की नहीं लगेगा, दरवाज़ा नहीं लगेगा, ताला नहीं लगेगा, अच्छे से कहीं कुछ नहीं होगा तो चोरी तो हो भी करेगा। बात रह गया देखिए, अब ये पानी का टंकी एक भी नल सही नहीं है, सारा बच्चा पानी पीने के लिए बाहर जाता है, बाथरूम लगा तो सब बाहर जाता है, और यहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था सही नहीं है, ना सही से खाना यहाँ पे दिया जाता है, सप्ताह में 2-3 दिन अंडा दिया जाता है, अब कितना है वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन सप्ताह में 2 बार अंडा ये लोग को मिलता है, बाकी दिन सब्जी चटनी चोखा चावल यही सब करके जैसे तैसे खिला दिया जाता है। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। 24 घंटे खुली रहने वाली कविता मेडिसिन की गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं, कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोडो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के जालान हॉस्पिटल के प्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार, केरल से आए प्रोस्टेट कैंसर व मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शुक्ला, धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म कुष्ठ गुप्त व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान नाक व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, बेंगलुरु से आई स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता राय, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन कचहरी रोड गिरिडीह, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। 75 साल बेमिसाल गिरिडीह के लोगों का प्यार और विश्वास के कारण ही 75 वर्ष पुराना न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर को झारखंड में नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इन त्योहारों में कुछ और बेहतर करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशियों भरी बम्पर दिवाली ऑफर, इसमें होगी उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर आपको मिल सकता है 5-10 निश्चित उपहार। इसके अलावा लकी ड्रॉ खेला जाएगा जिसमें आपको मिल सकता है 1 स्प्लिट AC, 1 43 इंच LED TV, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 वॉशिंग मशीन, 1 32 इंच LED TV, 20 मिक्सर ग्राइंडर, 1 कूलर और भी बहुत कुछ। LED TV पर 3-10 साल तक की वारंटी। यहाँ दुनिया के बेहतरीन 55 इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इस विशाल रेंज में आप अपने पसंद को चुने, वो भी ऑनलाइन या मार्केट से सस्ते दरों पर। यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 5-20% तक का कैशबैक मिल सकता है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस, पाइन लैब, पेटीएम, HDFC, HDB, TVS, बिनो द्वारा आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें और बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। पता न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर, कालीबाड़ी चौक, गिरिडीह।